प्रीवियस लेक्चर में हमने थीटा नोटेशन के अकॉर्डिंग किसी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करी, और वहाँ पे हमने C1 और C2 की वैल्यू को निकालने के दो तरीके देखे। लेकिन हमने वहाँ पे डिटेल में एग्जाम्पल को समझा, बट हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल इन शॉर्ट। तो इसलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि हमारा एक्सप्रेशन है एफ एन इज इक्वल टू एन टू द पावर 4 + 3n³ + 5n+1 गिवेन गिवेन इज जी एन इज इक्वल टू एन टू द पावर 4। जी एन गिवेन है। तो हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन दैट इज थीटा ऑफ एन टू द पावर 4। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन की थीटा नोटेशन के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी एन टू द पावर 4 ऑर्डर की आएगी। थीटा नोटेशन हमें बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों वैल्यू बताता है, यानी फंक्शन इज फंक्शन की एबव वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन एक्वायर कर सकता है, अटेन कर सकता है, वो दोनों वैल्यू हमें थीटा नोटेशन से पता चलती हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? 0 < C1 × Gn = fn > C2 × Gn। तो अब इसमें हम Gn और Fn की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारा आया 0 < C1 × n^4 = n^4 + 3n³ + 5n+1 = C2 × n^4। अब हमें इस एक्सप्रेशन से C1, C2 और n0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। C1, C2 और n0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो C1 × n^4 = n^4 + 3n³ + 5n+1। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन को अगर हम इनइक्वालिटी को ऑब्जर्व करें, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम C1 की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये n^4 बनेगा, और ये n^4 हमेशा इस राइट साइड के एक्सप्रेशन से छोटा होगा, क्योंकि हम राइट साइड में n^4 में कुछ पॉजिटिव टर्म ही ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से क्लियर हो गया कि हम C1 = 1 पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा n^4 = n^4 + 3n³ + 5n+1। अब अगर आप इसमें n = 1 पुट करें, 2 पुट करें, या कोई सी भी बड़ी वैल्यू पुट करें, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा होल्ड करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ n = 1 = 1 + 3 + 5 + 1, तो ये हमेशा छोटा होगा, 1 < 1 + 3 + 5 + 1। तो ये इससे 1 हमेशा छोटा है, < = है। तो इसी तरह से n = 2 भी पुट करेंगे तो भी ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी। इसी तरह से हम राइट साइड की इनइक्वालिटी को लेके C2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो n^4 + 3n³ + 5n+1 = C2 × n^4। अब हमें इससे C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम जो है सेकेंड मेथड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, हम सेकेंड मेथड यूज करके देखते हैं। C2 इसको उल्टा करके लिख लिया, C2 > n^4 को इधर ले गए, तो ये आया 1 + 3/n + 5/n² + 1/n^4। अब अगर मैं n = 1 पुट करता हूँ,
तो n इज इक्वल टू वन पुट करने पे ये क्या आया, सी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस थ्री प्लस फाइव, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस वन, ये आया हमारा इक्वल टू फोर फाइव नाइन एट टेन। तो इससे ये पता चला, अब इसके बाद n की अगर हम बड़ी वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये वाली वैल्यू हमेशा छोटी ही आएगी 10 से, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 से हमेशा छोटी आएगी। तो इससे बहुत क्लियर हो गया कि C2 को हम 10 मान सकते हैं और ये n 0 बराबर 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो इसलिए हमें केवल C1 C2 और n 0 की वैल्यू निकालनी थी। तो फाइनल जो रिजल्ट है वो ये है कि C1 इज 1, C2 इज 10 और n0 इज इक्वल टू 1 के लिए ये हमारा एक्सप्रेशन हमेशा होल्ड करेगा। तो इन वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो ये आया हमारा 0 इज लेस देन इक्वल टू C1 इज व्हाट 1, n टू द पावर 4 इज लेस देन इक्वल टू n टू द पावर 4 प्लस 3n क्यूब प्लस 5n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 10n स्क्वायर। तो ये वाला हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि ये C1 वन इंटू दिस, तो C1 इंटू Gn, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ये Gn इक्वल टू n टू द पावर 4, ये हमारी यहाँ से प्रूफ हो गई। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो Fn है, Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n टू द पावर 4 इज प्रूव्ड। अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट भी कर सकते हैं। प्लॉट करने के लिए आपको करना क्या है कि इस Fn, जो ये Fn है, ये Fn को प्लॉट करना है। तो Fn को मैंने मान लिया ऐसे प्लॉट कर दिया और इसके बाद मैंने ये प्लॉट कर दिया और एक ये प्लॉट कर दिया। तो ये n0 बराबर हमारा 1 है और ये है n टू द पावर 4 प्लस 3n क्यूब प्लस 5n प्लस 1 का ग्राफ है और ये लोअर बाउंड ये n टू द पावर 4 का प्लॉट है और ये 10n स्क्वायर का प्लॉट है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि दिस थीटा नोटेशन गिव्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो इस तरह से इजीली आप किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी थीटा नोटेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं।